70 साल के इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है।
इससे बिजनेसेस को मदद मिलेगी, जीडीपी का विस्तार होगा तथा 1.3 बिलियन लोगों की एक यूनिफाइड मार्केट बनेगी। एक्सेलेंसी, विश्व भर में ब्रिक्स स्थिरता, रिफॉर्म, प्रगति तथा उत्तम गवर्नेंस की एक सशक्त आवाज है। हमारे द्वारा दिए गए निर्णय वैश्विक परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करते हैं। इस कारण हमारे एजेंडा को ब्रिक्स द्वारा स्पष्ट कार्रवाई जरूरी है। इसमें शामिल है वैश्विक आर्थिक रिकवरी को सस्टेन करने के लिए हमारा एक साथ काम करना है। WTO में केंद्रित एक फ्री तथा ओपन ट्रेडिंग रीजन को हमारा समर्थन, ग्रोइंग प्रोटेक्शनलिज्म के प्रति खासतौर पर नॉलेज, टेक्नोलॉजी तथा स्किल प्रोफेशनल्स की वैश्विक मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ सांझी आवाज, क्लाइमेट चेंज तथा आतंकवाद जैसे प्राथमिकताओं पर ब्रिक्स के नेतृत्व की आवश्यकता है। पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत सहमति को इंप्लीमेंट करना अनिवार्य है। भारत क्लाइमेट एग्रीमेंट को लेटर तथा स्पिरिट में इंप्लीमेंट करेगा। हमें यह इंश्योर करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं विश्व के मौजूदा आर्थिक बैलेंस को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करें। अफ्रीका के सर्वांगीण विकास के लिए हम अपनी पार्टनरशिप और सशक्त बनाएं। ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी की शीघ्र स्थापना हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए। फिल्म्स, स्पोर्ट्स, कल्चर तथा युवा वीडियो के आदान प्रदान के माध्यम से लगातार पीपल टू पीपल टाइज का विस्तार करना भी बहुत जरूरी है। टेररिस्ट फ्रेंचाइज, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सेफ हैवन तथा उनके स्पॉन्सर्स के विरुद्ध G20 देशों को एकजुट होकर सुदृढ़ तथा सशक्त कार्रवाई करनी होगी। राष्ट्रपति शी की अध्यक्षता में ब्रिक्स की गतिशीलता तथा पॉजिटिव मोमेंटम ने हमारे आपसी सहयोग को और भी गहरा किया है। अंत में मैं राष्ट्रपति श्री जिनपिंग को आने वाली 9वीं ब्रिक्स समिट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं तथा भारत की तरफ से उनको मैं पूर्ण समर्थन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।